हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहली न्यूज़ है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। तो हमें ये पता होना चाहिए पद्मा अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो है, ये कह रहे हैं कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण देखिए तीन लोगों को दिया गया है। इलाई राजा हैं, आर्ट एंड म्यूजिक में दिया गया है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खान आर्ट एंड म्यूजिक में, महाराष्ट्र से। इसके अलावा परमेश्वरन इसको लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया, केरला को बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये देखिए पूरी लिस्ट है नीचे। तो 2018 का जो ये अवार्ड है, इसमें तीन पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 73 यानी कि 73 पद्मश्री अवार्ड दिए गए, राइट। तो इसके बारे में बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो देखिए, ये अवार्ड सारी डिसिप्लिन जो होती है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में दिया जाता है, राइट। और हमें इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, राइट। बढ़ते हैं आगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें जो ये अवार्ड है, ये फॉरेनर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए बीच बीच में ये फॉरेनर लिखा होगा। पद्मश्री अवार्ड में देखिए ये है जोस मा जो, एक तो इनको दिया गया है ट्रेड इंडस्ट्री में, ये फिलीपींस को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसमें, अगर कभी पूछे कि क्या फॉरेनर को भी दिया जाता है, तो जी हाँ, ये फॉरेनर को भी दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए म्यांमार के ये डॉक्टर हैं थॉन्त मियंत, इनको दिया गया है। इसके अलावा ये हाजी ओस्मान फॉरेनर हैं बुरनोई के, इनको दिया गया है, राइट। तो ये याद रखें, फॉरेनर को भी ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए अगली न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स के ये हैं गरुड़ कमांडो के, इनका नाम है ज्योति प्रकाश निराला, इनको दिया गया है अशोक चक्र अवार्ड, ठीक है। तो अशोक चक्र अवार्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अशोक चक्र अवार्ड देखिए, ये इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, ठीक है। तो इनको पोस्टमॉर्टम दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में एक अटैक हुआ था, तो आतंकवादियों से ये लड़ते हुए ये मारे गए थे, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो मिलिट्री का है, ये अशोक चक्र मिलिट्री डेकोरेशन का ये हाईएस्ट अवार्ड है, राइट। देखिए अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, MOU ILNFS के साथ, ठीक है। तो ये जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे जोजिला टनल। तो जोजिला टनल कहाँ पे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन भी इसको में देखनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए ये कह रहे हैं कि 14.15 किलोमीटर लगी है, 2-lane बाई डायरेक्शनल टनल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये, राइट। तो और ये कह रहे हैं कि ये इंडिया की सबसे लंबी रोड टनल होगी और लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इन एशिया, राइट। और ये कह रहे हैं कि अगर ये कंप्लीट हो जाती है, टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर, कारगिल एंड लेह। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसको कनेक्ट करती है और किसको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए ये तो एक तो इसकी लेंथ हो गई, और दूसरी आपको याद रखना है कि ये इंडिया की सबसे लंबी है, ठीक है। और इसके अलावा एशिया की ये बाई डायरेक्शनल अगर की बात की जाए, बाई डायरेक्शनल टनल की, तो उसमें एशिया की लॉन्गेस्ट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी श्रीनगर, कारगिल और लेह को। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, राइट। तो जोजिला टनल याद रखें आप। देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना लेह रीजन को, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर क्या होता है कि साल में 6 महीने यहाँ पे चूँकि स्नो बर्फ़ वगैरह की वजह से या एवलांचेज वगैरह होते हैं, तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको उससे अब निजात मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे इसमें देखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, एक्सियल फैन है, राइट। इसके अलावा क्रॉस वेंटिलेशन है, CCTV है, मॉनिटरिंग वेरिएबल मैसेजिंग बोर्ड है, ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट है, टनल रेडियो, इमरजेंसी टेलीफोन सिस्टम, ये सारे इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं। देखिए कल इंडिया में आशियान इंडिया कॉमोमेरेटिव सबमिट हेल्ड हुई, ठीक है। और उस सबमिट में जो इस बार जो थीम थी उसकी, वो थी शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी, राइट। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी। तो ये 25th एनिवर्सरी थी इस आशियान इंडिया सबमिट की।
और जो इनके मेन देखिए इशू थे जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में सामने आए वो थे काउंटर टेररिज्म, इसके अलावा आइडेंटिटी सिक्योरिटी, मिलिट्री कोऑपरेशन और बायलेटरल फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट। तो 10 आशियान कंट्रीज़ के मेंबर, सारे मेंबर शामिल थे इसमें, और ये सारे मेंबर आज जो परेड हुआ हमारा रिपब्लिक डे परेड उसमें भी ये शामिल रहे। तो अगर की हाइलाइट्स की बात करें ये दिल्ली डिक्लेरेशन में, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग रिलेशन, ठीक है, तो कैसे रिलेशन को और स्ट्रेंथन किया जाए, और इसके अलावा टेररिज्म पे काउंटर करने से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और ट्रांसनेशनल क्राइम, कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। आशियान की अगर बात करें तो आशियान एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 10 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की शामिल है, राइट। और इसको देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को थ्रू आशियान डिक्लेरेशन, आल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो जकार्ता या इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहीं पे इसका सेक्रेटरीट है। जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके नाम एक बार मैं मेंशन कर दूँ, सबसे पहले देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, फिर इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है, राइट। ये देखिए ये सारी कंट्रीज़ हैं, राइट। ये शुरुआत अगर इधर से करें तो पहले म्यांमार आएगा, फिर आपका आएगा थाईलैंड, और ये है आपका लाओस, नीचे है कंबोडिया, और लास्ट में ये वियतनाम, नीचे अगर आ जाए तो ये मलेशिया, ये बीच में है सिंगापुर, और ये जो है ये इंडोनेशिया है, राइट। और ये यहाँ पे ये ब्रुनेई है, और ये है लास्ट में फिलीपींस, राइट। तो इसको सीक्वेंस भी थोड़ा सा याद रखें, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ये देखिए एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है एडोलेसेंट गर्ल स्कीम, राइट। तो ये बेसिकली है रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर द स्कीम ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। तो ये RRS जो है कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट फेज, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट फेज ये हुआ है। तो समझ में आया क्या है, देखिए ये जो एक स्कीम हमारी चली आ रही है उसका नाम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, और ये जो स्कीम है स्कीम का मकसद ये है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए गर्ल्स को, इसके अलावा मोटिवेटिंग आउट ऑफ द स्कूल गर्ल्स टू गो बैक टू द फॉर्मल स्कूलिंग, जो बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं उनको या जो ड्रॉप आउट हैं उनको फिर से फॉर्मल स्कूलिंग कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये भी इसका मकसद है। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग अंडर इट्स नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, स्किल ट्रेनिंग भी इसका एक पार्ट है, राइट। तो इसी चीज़ को इस स्कीम के लिए, इस स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ये है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फेज कह रहे हैं कि ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम है, ये बेसिकली ये मॉनिटर करने के लिए है, तो इसका नाम है RRS। RRS का मतलब है रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस स्कीम को मॉनिटर करेगा ताकि इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एक्यूरेट टारगेटिंग उनकी हो सके और जो लीकेज हैं उनको कम से कम किया जा सके, राइट। और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सिस्टम जो है मॉनिटरिंग सिस्टम ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ WCD द्वारा, और इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट। देखिए WCD से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है। WCD क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एक पोर्टल है बेसिकली, और ये बनाया गया है आंगनवाड़ी जो सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके लिए, ठीक है। और इस पोर्टल को डेवलप किया है WCD ने, और इसके साथ भी कोलेबोरेशन NIC का ही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है इन्हीं के साथ इनका कोलेबोरेशन है, राइट। तो देखिए कह रहे हैं कि फेज 1 में पोर्टल विल एनेबल NGOs टू सबमिट प्रपोजल टू रेस्पेक्टिव स्टेट, विच इन टर्न विल प्रोसेस प्रपोजल एंड रिकमेंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा, NGOs को एनेबल करेगा कि ये प्रपोजल भेजेंगे, ठीक है ना, कि इनको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और इनकी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फर्दर एग्जामिन करके प्रपोजल के हिसाब से फिर फंड को रिलीज करेगी, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी सर्विस सेंटर क्या होते हैं। तो आंगनवाड़ी जो सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसका मकसद ये है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और द ट्रेनिंग टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स
आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड सुपरवाइजर्स एट ए डब्ल्यू टी सीज एंड एबिलिटीज इज पार्ट ऑफ आंगनवाड़ी सर्विस, राइट। तो इसमें जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसमें आंगनवाड़ी जो हेल्पर होते हैं, वर्कर्स होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।